विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। कुछ साल पूर्व नागालैंड के दीमापुर निवासी 49 वर्षीय लानू एल जमीर ने जब इलेक्ट्रॉनिक लोड कंट्रोलर उपकरण तैयार किया, तब नागालैंड के कई गांवों में बिजली नहीं थी। कई इलाके ऐसे थे जहां बिजली तो थी लेकिन बिजली की कटौती बहुत ज्यादा होती थी। ऐसे में ग्रामीणों को वैकल्पिक उपायों का सहारा लेना पड़ता था। इस क्षेत्र में पानी से बिजली तैयार करने का बेहद पुराना तरीका प्रचलित है, जिसे हाइड्रोजन या वाटर मिल कहते हैं। सरल शब्दों में इसे पानी से चलने वाला जनरेटर भी कह सकते हैं। हाइड्रोजर को ऐसे स्थान पर लगाया जाता है जहां ऊंचाई से पानी गिर रहा हो। पानी को एक टरबाइन पर गिराया जाता है जिसके घूमने से बिजली पैदा होती है। एक हाइड्रोजर से 3 से 5 किलोवाट तक बिजली पैदा होती है तथा इसको आसपास के घरों में तारों के जरिए पहुंचाया जाता है। लेकिन इसमें एक बड़ी दिक्कत यह है कि इस बिजली के लोड को नियंत्रित करने की तकनीक नहीं थी, जिससे यह घरेलू उपकरणों को नुकसान पहुंचाती थी। जमीर ने देखा कि इसके चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है तथा बिजली उपलब्ध होते हुए भी लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अथक प्रयासों के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक लोड कंट्रोलर तैयार किया जो बेहद किफायती है, जबकि बाजार में इस प्रकार के उपकरण बेहद महंगे थे जिन्हें लगा पाना ग्रामीणों के लिए बेहद मुश्किल था। जमीर का बनाया यह उपकरण बिजली के लोड को नियंत्रित करता है। यह लोड कंट्रोलर के साथ साथ एक स्टेबलाइजर का भी काम करता है, यानी जब वोल्टेज कम हो तो उसे बढ़ाता भी है और जब ज्यादा हो तो उसे नियंत्रित करता है। उन्होंने पहले 5 किलोवाट क्षमता तक का लोड कंट्रोलर विकसित किया तथा बाद में अलग अलग क्षमता के लोड कंट्रोलर बनाए जिनमें अधिकतम 100 किलोवाट की क्षमता का भी शामिल है। स्थानीय लोगों ने हाइड्रोजर से पैदा बिजली के वितरण के लिए बड़े पैमाने पर इस लोड कंट्रोलर का इस्तेमाल शुरू किया है। राज्य की बिजली वितरण कंपनी ने भी इस लोड कंट्रोलर की जांच की और इसे उपयुक्त पाया। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने भी जमीर के लोड कंट्रोलर को नवाचार पूर्ण उत्पाद माना तथा 2019 में कॉन्सिलेशन श्रेणी में नेशनल इनोवेशन पुरस्कार प्रदान किया।